परी का भी था। उसने एक अंडा दिया हुआ था जिस पर बैठना अब उसके लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो तो सारा सारा दिन आवारा फिरती थी। मेरे कालू कौवे पति जी, मैं आज अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। आज का दिन आप अंडे की रक्षा कर लेना। अब ये सारे काम छोड़ो, ये काम माओ का होता है, अंडों पर बैठना। मुझे और भी हजारों काम होते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है जो तुम सारा दिन काम करते हो। मैंने कहा ना कि मैं शाम तक लौट कर आ जाऊंगी। फिर गोरी कवी कालू कवे की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। जीजा जी से कहूँगी कि मुझे मिठाई ला कर खिलाए, आज मेरा मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है। गोरी कवी रास्ते में जाती हुई ऐसा सोच रही थी। गोरी की बहन लाडली और उसका जीजा जी भी घर में ही थे। मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं अंडे पर नहीं बैठ सकती। तो और क्या, तुम्हारा बाप बैठेगा अंडे पर? अगर इस घर में रहना है तो अंडे पर बैठना ही होगा। गोरी कभी भी वहाँ पहुँच जाती है। जीजा जी, मेरे घर में तो हर समय लड़ाई होती ही रहती है, यहाँ भी आप लड़ रहे हो। अंडे पर नहीं बैठती, कहती है मैं बैठूं। इसी बात पर तो मेरी लड़ाई हुई है मेरे पति से। आजकल की लड़की कवियाँ कहाँ अंडों पर बैठना पसंद करती हैं। छोड़ इसे गोरी दीदी, आप बताइए क्या खाओगी? मिठाई, मेरा आज मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है। आप लाडली के पास बैठे, मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ। फिर गोरी का जीजा जी गोरी के लिए मिठाई लेने चला जाता है। बड़ी, ये क्या मुसीबत है, मैं थक गई हूँ। मैं तो सोच रही थी कि ये अंडा ही तोड़ दूँ। नाना छोटी, ऐसा ना करना, वरना तुम्हारा पति तुम्हें घर से निकाल देगा। तो फिर क्या करूं? मुझसे तो ये सब नहीं होता। कितने दिन हो गए मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकी। सारी स्किन खराब हो रही है मेरी और रंग भी काला हो गया है। जीजा जी आले, उनसे पूछकर ये अंडा मैं ले जाती हूँ। मेरा भी अंडा है, मुझे तो बैठना ही होता है। चलो एक क्या, मैं दो अंडों पर बैठ जाया करूँगी। मेरी बड़ी बहन कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। 100 रुपए की मिठाई दो, रसगुल्ले डाल देना, मेरी बड़ी साली आई है। गोरी आई है क्या? अगर गोरी आई है तो उससे कहना मिठाई वाला चाचा बोल रहा था पिछली बार जो मिठाई उधार लेकर गई थी उसके पैसे दे दो। मैं संदेश दे दूंगा तुम्हारा। फिर गोरी का जीजा मिठाई लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी तो ऐसी मिठाई खा रही थी जैसे पहली बार मिठाई देखी हो। वाह वाह, मजा ही आ गया। गोरी दीदी, वो मिठाई वाला चाचा तुम्हें याद कर रहा था। पिछली बार मैं उधार कर गई थी, पैसे मांग रहा होगा। दे दूंगी जब होंगे, मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। पति जी, मैं अपना अंडा अपनी बहन को दे रही हूँ। हाँ हाँ, मैंने भी अंडा दिया हुआ है, मैं दोनों पर बैठ जाया करूँगी। और जब अंडे से सुंदर सा बच्चा निकलेगा तो आप बच्चा ले जाना। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपना अंडा किसी को नहीं दे सकता। मैं कोई गैर हूँ, सगी मासी हूँ मैं इस अंडे की। और जीजा जी, जिस अंडे पर मैं बैठूँ उसमें से बेटा कौवा ही निकलता है। ये सुनकर गोरी का जीजा जी मान जाता है। अब मैं जाती हूँ, कालू आंखें फाड़ फाड़ कर राह देख रहा होगा। फिर गोरी कवी अपनी बहन का अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। मैं थक गया हूँ, इतनी देर कर दी तुमने आने में। फिर गोरी अंडा अपने घोंसले में रखते हुए बोलती है।
मैं पंख दबा दूंगी अपने कालू जी के। इतने प्यार से आज पहली बार बात की है गोरी तुमने। और ये अंडा क्या तुमने रास्ते में दिया था? नहीं पति जी, ये अंडा मेरी बहन का है। वो मुझसे भी ज्यादा नखरे वाली है। वो अंडे पर नहीं बैठ रही थी, इसलिए मैं उसका अंडा यहाँ ले आई। मैं दोनों अंडों पर बैठ जाया करूँगी। मैं किसी का अंडा अपने घोंसले में नहीं रख सकता, इसे वापस करके आओ। मेरे कालू जी, अब मेरी बेइज्जती होगी मेरे जीजा जी के सामने। घोंसला छोटा है, दो अंडे इस घोंसले में खराब हो जाएंगे। फिर ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से निकलता है। वो जा रहा था कि उसकी नजर तोते के घोंसले में जाती है, जिसमें दो लाल रंग के अंडे पड़े थे। तोते के अंडे देखकर कौवे को एक शैतानी आती है और वो फिर से वापस घर चला जाता है। गोरी गोरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तोते के घोंसले में दो अंडे हैं और हम तुम्हारी बहन का अंडा तोते के घोंसले में रख देते हैं। जब बच्चा निकलेगा तो हम तुम्हारी बहन का कौवा बच्चा तोतों से वापस ले लेंगे। कालू जी, बात तो ठीक है, ऐसे मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी और मेरी बहन का काम भी हो जाएगा। मुझे इस अंडे पर लाल रंग करना होगा, क्योंकि तोतों का अंडा लाल रंग का होता है। फिर कालू कौवा अंडे पर लाल रंग करता है और उसे उठाकर तोते के घोंसले की तरफ चला जाता है। तोता और तोती नदी से पानी पीने गए हुए थे। कौवा वो लाल रंग का अंडा तोते के लाल रंग के अंडों में रखकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद तोता और तोती भी वापस आ जाते हैं। मिठू, मैंने तो दो अंडे दिए थे रात को, फिर ये तीसरा अंडा कहाँ से आ गया? मुझे लग रहा है ये अंडा टिंकों के नीचे होगा और हवा से बाहर आ गया। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे तीन अंडे हैं। फिर वो तोता और तोती उस लाल रंग के अंडे को अपना ही समझते हैं। दिन और रात गुजरते गए। गोरी अपने अंडे पर कभी खुद बैठती तो कभी कालू कौवा बैठ जाता। तोता और तोती भी अंडों की पूरी रक्षा कर रहे थे। और फिर एक सुबह तोते के अंडे फूटते हैं। उनमें से दो तो हरे रंग के बच्चे निकलते हैं, मगर एक बच्चे का रंग काला था। मेरा बच्चा काला कैसे हो सकता है? तोती बहुत हैरान होती है। मुझे अब पता चला, ये अंडा जरूर किसी कौवे ने हमारे घोंसले में रखा होगा। हमारे दो ही अंडे थे। मगर मिठू, मुझे अपने अंडों से और अब अपने बच्चों से बहुत प्यार है। कौवा है या तोता, ये मेरा ही बच्चा है। मैं अपना बच्चा अब किसी को नहीं दूंगी। ऊपर से गुजरता हुआ कालू कौवा भी देख लेता है कि अंडे से बच्चा निकल आया है। तो बच्चा निकल आया है अंडे से, अब मुझे कुछ करना होगा। कालू कौवा भी नदी पर मिठू के पास आता है। ओए किडनैपर, मेरा बच्चा तुम्हारे घोंसले में क्या कर रहा है? तुमने मेरा बच्चा चुराया है। झूठ न बोलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे घोंसले में तुम अपना अंडा खुद रख कर गए होगे। मैं और मेरी पत्नी ने तीन अंडों की रक्षा अपनी जान से भड़ कर की है। तुम ऐसे नहीं समझोगे, मैं अभी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर आता हूँ। अब वो तुम्हें बताएंगे कि काला कौवे का बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। मिठू भी जल्दी से घर जाता है और मिठू कालू कौवे के बच्चे पर हरा रंग कर देता है।
अगर तुम अपने अंडे पर लाल रंग करके मेरे घोंसले में रहकर हमें धोखा दे सकते हो तो अब हम भी तुम्हें ये बच्चा किसी कीमत पर नहीं देंगे कालू। वो कौवे हमेशा ऐसा ही करते हैं पति जी। कालू कौवाड़ी चिड़िया कबूतर और गौरी को साथ लेकर पहुंच जाता है। मिठू भैया, कालू और गौरी हमें साथ लाए हैं कि आपने उनका बच्चा किडनैप किया है। कहाँ है हमारा कौवा बच्चा, कहाँ है? अभी अभी तो यही था। फिर मिठू चिड़िया के कान में सारी बात बता देता है। कालू भैया, हमें तो यहाँ कोई भी काला बच्चा नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर कौवे के बच्चे हरे रंग के होते हैं तो फिर तुम सच्चे हो। कालू जी, तोते तो हमसे भी बड़े शैतान निकले। अब मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी। और फिर रोते हुए कौवे वहाँ से चले जाते हैं। मिठू और उसकी पत्नी उस बच्चे को अपने बच्चों की तरह ही पालते हैं। चिड़िया बहन, मेरी नज़र में एक रिश्ता है तुम्हारी गुड़िया के लिए। अगर तुम कहो तो मैं बात आगे चलाती हूँ। गौरी बहन, मैं अपनी गुड़िया की शादी को लेकर बहुत परेशान हूँ। अगर कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए मेरी गुड़िया के लिए तो मेरी चिंता ही खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या दोगी मुझे अगर मैं गुड़िया की शादी किसी अच्छी जगह पर करवा दूँ तो? अगर तुम मेरी बेटी की शादी किसी अमीर घर में करवा दो तो मैं तुम्हें बनारसी साड़ी लेकर दूंगी। बनारसी साड़ी? फिर तो समझो गुड़िया की शादी हो गई। परंतु चिड़िया, वो बहुत अमीर चिड़िया है और उसका बेटा भी अच्छा काम करता है और आप तो इतनी ज्यादा अमीर नहीं हो। तुम्हें मेरी एक सलाह मानना होगी। क्या सलाह गरीब बहन? मैं कर लूँगी, आप बताएं तो सही। अपने जाने वाले पक्षियों से कुछ दिनों के लिए कुछ चीजें मांग कर घर में रख लो, जैसे फ्रिज, बड़ा बेड और जरूरत की दूसरी चीजें, ताकि तुम भी अमीर लगो। गौरी बहन, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। अगर बाद में पता चल गया कि मैं तो गरीब हूँ तो फिर क्या होगा? बाद में कैसे पता चलेगा? अमीर परिवार से संबंध बनाने के लिए खुद को भी अमीर दिखाना पड़ता है। फिर क्या था, चिड़िया अपने दोस्त कबूतर से दो चार दिन के लिए फ्रिज ले आती है, बुलबुल से बेड और ऐसे सब पक्षियों से कोई ना कोई चीज मांगकर अपना घर भर लेती है। गौरी भी दूसरे जंगल